और जब फॉर्म की प्रक्रिया चल रही है तो बीच में आप उसको उठा के पलट दीजिए और सारा नियम बदल दीजिए, तो ये गलती सारी बिहार सरकार की, और बिहार सरकार को छात्रों से माफ़ी मांगना चाहिए। 11 महीने में 8 बार पलटी मार करके इस पूरे एग्जामिनेशन में यह बताया गया है कि जैसा नीतीश कुमार हैं वैसा ही पलटी मार अब से सब कुछ बिहार में। आप न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वंदना। हमारे साथ बात करने के लिए हैं बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल, और उनसे हमारा सवाल है कि जिस तरह से बिहार में अपनी हक की लड़ाई शिक्षक लगातार लड़ रहे हैं, और जिस तरह से बीते दिन कल शिक्षकों के ऊपर लाठीचार्ज किया गया, बात करने की कोशिश करेंगे। सर, क्या लगता है बिहार में हक की लड़ाई लड़ना जायज नहीं है क्या? बिल्कुल जायज, और हक की लड़ाई की बात कहाँ है भाई, परीक्षा है, परीक्षा का आपने फॉर्म निकाला, परीक्षा के आपने नियम बनाए, और जब फॉर्म की प्रक्रिया चल रही है तो बीच में आप उसको उठा के पलट दीजिए और सारा नियम बदल दीजिए, तो ये गलती सारी बिहार सरकार की, और बिहार सरकार को छात्रों से माफ़ी मांगना चाहिए। पर बिहार सरकार अब केवल युवाओं को 10 लाख नौकरी के बदले चाहती है कि मैं 10 लाख बार अगले 2 वर्षों में पिटाई करके दिखा दूँ। ये कितना हद तक सही है, बार बार शिक्षकों को बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। और मतलब गलती किसकी है, गलती क्या है इनकी है, मैं भी परीक्षार्थी रहा हूँ, हम लोग भी मेडिकल में कम्पीट किए हुए हैं, जो एक बार क्राइटेरिया बन गया, परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, अचानक आप फॉर्म भरने का क्राइटेरिया बदल देते हैं, अचानक आप परीक्षा का क्राइटेरिया बदल देते हैं, अचानक आप जो शिक्षक पहले से बहाल है उनके लिए नियम बदल देते हैं, जो आने वाले CTET STET के उनके लिए नियम बदल देते हैं। 11 महीने में 8 बार पलटी मार करके इस पूरे एग्जामिनेशन में यह बताया गया है कि जैसा नीतीश कुमार हैं वैसा ही पलटी मार अब से सब कुछ बिहार में होगा। जिस तरह से प्रोफेसर चंद्रशेखर रामायण पर बयान देते देते अब शिक्षकों के ऊपर कह रहे हैं कि इनमें काबिलियत ही नहीं है, शिक्षकों के ऊपर काबिलियत नहीं बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं बिहारियों में यह काबिलियत नहीं है जो कि इस तरह के शिक्षक मिल सकें। चंद्रशेखर जी अपने भले उस जमाने में चीटिंग से पास किए होंगे और धांधली से पास किए होंगे, जरा वो हिंदुस्तान में जाके घूमें, बिहार के बच्चे कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, मैं तो आज तक कोई जिला ही नहीं घुमा सांसद के रूप में कि DDC SP और DM में से कोई एक बिहारी नहीं मिले, जहां भी जाइए सेक्रेटरी DGP सब बिहारी मिलते हैं। लेकिन चूंकि चंद्रशेखर जी अपना जिस तरह से वो पास किए हैं, वो जरूर हम लोग तो चारा विद्यालय जानते थे, लेकिन लगता है ये चारा विश्वविद्यालय से पढ़े हुए व्यक्ति हैं, और इसीलिए उनको लगता है कि बिहार के जितने भी छात्र हैं वह उन्हीं के कैटेगरी के लोग, उन्हीं के भाई बीजेपी में शामिल हुए हैं। क्या लगता है कि आप जो गलत करेंगे उसके खिलाफ कौन साथ में रहेगा? चंद्रशेखर जी जिस तरह की हरकतें कर रहे हैं उनके साथ जुड़ने में किसी को भी शर्म महसूस होगी। और बिहार में भाजपा तरक्की कर रही थी, आज महागठबंधन केवल लोगों को धोखा देने का, बिहार को पूर्ण रूप से अपराध के हवाले करने का काम कर रहा है, तो हर जगह रिवोल्ट होगा। तेजस्वी यादव विदेश में है, नीतीश कुमार विधायक और सांसदों से मिल रहे हैं। तेजस्वी जी और ललन सिंह जी दोनों विदेश में हैं, और जब दोनों विदेश में हैं तो भविष्य के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों विदेश में रहेंगे तो तीसरा फायदा उठाएगा ही। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आप सुन रहे थे क्या कुछ कहना था बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल का, जिन्होंने कहा कि जो शिक्षकों के साथ सरकार कर रही है ये सरासर गलत है और इस नीति को कभी कायम नहीं होने देंगे। 13 जुलाई को जिस तरह से बीजेपी द्वारा शिक्षकों के समर्थन में सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन है, जाहिर सी बात है कि उस विरोध प्रदर्शन में बीजेपी जो है सरकार को घुटने टेकने पर मजबूर करेगी। अब यह तो देखने वाला विषय होगा। इसका बस इतना ही, बने रहिए न्यूज़ फाउंडेशन के साथ। धन्यवाद।